सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग जानते हो फ्री फायर इंडिया वर्जन आएगा प्ले स्टोर के अंदर बस कुछ दिन के अंदर, ऐसा न्यूज़ आप सभी को मिल गया है। और यह न्यूज़ भी मिला था जो भी फ्री फायर को रजिस्टर कर रखे थे, यानी कि प्री रजिस्टर, उन्हीं को नोटिफिकेशन आ गया था कि अपना जो गेम है वो अवेलेबल हो चुका है इंस्टॉल के लिए, आप लोग जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी यहाँ पर दो मुद्दा बहुत बड़ा है। एक है फ्री फायर इंडिया वर्जन को इंस्टॉल करने का सेलिब्रेशन, यानी कि फ्री फायर इंडिया वर्जन जब आएगा उसके एक दो दिन पहले आप लोग को सेलिब्रेशन के रूप में एक इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसके चलते आपको बहुत से फ्री का रिवॉर्ड्स दे जाएंगे। एंड दूसरी बात यह है, जो प्ले स्टोर के अंदर फ्री फायर इंडिया वर्जन आएगा उसका एक्चुअल कंफर्म डेट क्या है, बस आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये दोनों चीजें पता चल जाएगा। एंड कुछ और भी अपडेट्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बता दिया जाएगा, जैसे कि भाई एक टूर्नामेंट के ऊपर रिलीज मिला है कि 16 सितंबर से अपने गेम में एक टूर्नामेंट चलाया जाएगा। एंड गाइस, वो जो है फ्री फायर इंडिया वर्जन के साथ में लिंक किया गया है, यानी कि फ्री फायर इंडिया वर्जन आएगा तो वो टूर्नामेंट होगा, बट इसका सीन क्या कुछ है पूरा आपको वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। एंड सबसे अहम बात यह है, गेम के अंदर स्टेट वार इवेंट को चलाया जाएगा, और मतलब ऑलरेडी आ गया है गेम के अंदर, अब वो भी एक टूर्नामेंट का ही इवेंट है, कह सकते हो टूर्नामेंट पूरा जुड़ा हुआ इवेंट है स्टेट वॉर इवेंट। ये सब गेम के अंदर क्यों दिया गया है और ये स्टेट वॉर जो इवेंट आया है ये अचानक से आने का मेन मुद्दा क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, बस वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले यहां पर गए समय के अहम अपडेट कवर करते हैं, और वो ये है कि गेम बंद हो जाना, ऑटोमेटिकली गेम किसी का ओपन नहीं होना, गेम को अंदर जब भी हम लोग जा रहे हैं नेटवर्क वगैरह सब कुछ है ये, बट डाउनलोड फेल्ड, ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है, ये कहां से शुरू हुआ है एंड ऐसा क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली सीन ये है, आप लोगों को पता है, आपको मैंने मतलब मेरे वीडियो के अंदर ये भी बता देता कल शाम को कि भाई देखो जितने सारे फ्री फायर के अपने गेम के अंदर आईडी है, मतलब जितने सारे भाई लोग ऐसे हैं जो कि फ्री फायर गेम को खेलते हो, एंड अभी के टाइम पे उन सारे आईडी के अंदर जो भी डिटेल्स है या फिर कह सकते हो आईडी का जो डाटा है उनको अभी सिंगापुर से कनेक्ट किया गया है, या फिर कह सकते हो कि सिंगापुर से अपने आईडी को मैनेज किया जाता है। लेकिन फ्री फायर इंडिया वर्जन आएगा और इसके पहले ही गर्ना ब्रो ने अपने इंडिया के अंदर एक डाटा सेंटर ओपन कर दिया है, जो डाटा सेंटर के अंदर जो फ्री फायर इंडिया वर्जन का जो मेन सर्वर है उसको रन किया जाएगा, यानी कि इंडिया से ही फ्री फायर इंडिया वर्जन को चलाया जाएगा ताकि गेम के अंदर कोई इशू या फिर लैग हमको देखने को ना मिले, सर्वर प्रॉब्लम देखने को ना मिले। एंड अपने आईडी का जो डाटा वगैरह है, यानी कि अपने आईडी में जितने सारे डाटा है या फिर कह सकते हो जितने सारे इंफॉर्मेशन है, उन सबको सिंगापुर से अभी इंडिया में लाया जाएगा, यानी कि इंडिया के डाटा सेंटर के अंदर। अगर इंडिया के डाटा सेंटर में आएगा तो फिर हम इंडिया से उसको मैनेज कर पाएंगे। गर्ना वाले की तरफ से जो मॉनिटर है जो गेम को मैनेज करते हैं उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो इंडिया से अपने आईडी को मैनेज कर पाएगा। एंड जब जिसके आईडी में ये वर्क किया जा रहा है, अगर मेरे आईडी को सिंगापुर से इंडिया में लाया जा रहा है तो मेरा आईडी ऑफलाइन हो रहा है, कह सकते हो कि आईडी बंद कर दिया जा रहा है। तो बस इसलिए आप लोग को जो आईडी ओपन नहीं होने का प्रॉब्लम है डाउनलोड फील्ड का, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। टेंशन मत करो, एक दो दिन वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई किसी को भी कुछ नहीं करना है। एंड ना ही ये आपके मोबाइल के वैसे है ना ही गेम के वैसे है, बस ये प्रॉब्लम है गर्ना की तरफ से क्योंकि सर्वर वगैरह में काम चल रहा है। तो बस और एक दो दिन वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वीडियो में आगे बात करने से पहले, अगर आप 1x बेट पर क्रिकेट पर बैट करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। 1x बेट का मतलब बड़ी जीत और जल्दी पेआउट्स, नए कस्टमर्स के लिए बेहतरीन ऑफर। गाइस, आप लोगों ने 1x बेट का तो नाम सुने ही होंगे। 1x बेट है एक ट्रस्टेड नंबर 1 साइट जहां पर गाइस आप लोग क्रिकेट फुटबॉल जैसे किसी भी मैच में आप लोग बेट लगा सकते हो, जैसे कि भाई कौन सा टीम कितना रन करेगा, एंड आप लोग हर एक बॉल पर अपना बेट लगा सकते हो जैसे कि भाई कौन कितना गोल करेगा। और अभी के टाइम पे बहुत सारे मैचेस चल रहा है, आप सारे मैच में अपना बेट लगा सकते हो। तो देर ना करके जाइए 1x बेट में एंड अपना नॉलेज लगाकर अर्न कीजिए। एंड अगर आप लोग को क्रिकेट बढ़िया लगता है तो भाई क्रिकेट, लेकिन अगर आप लोग को क्रिकेट बढ़िया नहीं लगता है तो यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे कैसीनो, पोकर जैसे बहुत सारे गेम्स जहाँ पर आप लोग अपना डिपॉजिट करके 200% बोनस आईफोन 14 प्रो मैक्स जीतने का मौका मिल सकता है। और आपका जीता हुआ पैसा गाइस आप लोग बड़े आराम से पेटीएम यूपीआई के द्वारा विथड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर आप लोग मेरी प्रोमो कोड यूज करते हो आप लोग को 200% एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाले हैं डिपॉजिट पर। सो 1x बेट एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ एंड डाउनलोड करो। खैर आओ गाइस आगे बढ़ते वीडियो में, बात करते अपने टूर्नामेंट के बारे में। देखो एक बैनर लीक हुआ है जिसमें लिखा गया है प्रो सीरीज, और ये जो स्टार्ट किया जाएगा 16 सितंबर से। अब ये टूर्नामेंट के बारे में आप लोग को शायद लीक्स मिला होगा कि ऐसा टूर्नामेंट चलाया जाएगा, कुछ पहले मैं इसके ऊपर अपडेट भी दिया था। और उसके एक बैनर गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, और इस बैनर के अंदर गाइस साफ एक डेट क्लियर कर दिया गया है 16 सितंबर से टूर्नामेंट को चलाया जाएगा। बट भाई देखो ये जो बैनर है ये बिल्कुल रियल है, लेकिन सही बताऊं डेट रियल नहीं है क्योंकि भाई इस डेट से टूर्नामेंट को चलाया नहीं जाएगा, 16 सितंबर मतलब आज का दिन। बट आज ऐसा कुछ भी लीक्स नहीं मिला है जिससे कि ये कंफर्म होता है फ्री फायर इंडिया के अंदर टूर्नामेंट चलाया जाएगा, और फ्री फायर इंडिया आया ही नहीं है तो टूर्नामेंट कैसे चलाया जाएगा। और मजे की बात आप लोग जान लो, ये टूर्नामेंट का जो बैनर है ये तो बिल्कुल रियल है, बट डेट जो लीक हुआ है वो गलत हुआ है। आप लोग को नवंबर मंथ पे ये टूर्नामेंट अपने
गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई देखो जो फ्री फायर इंडिया वर्सन आने वाले है उसका कंफर्म डेट किसी को नहीं पता। अब अगर फ्री फायर इंडिया वर्सन आएगा नहीं तो ये टूर्नामेंट भी चलाया नहीं जा सकता, और इसलिए थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि भाई गरना वाले अपने फ्री फायर इंडिया वर्सन को प्ले स्टोर के अंदर लॉन्च करा दे और उसके बाद टूर्नामेंट को चलाया जाएगा। और गाइस को आप सबको मैंने बहुत पहले एक बात किया था कि भाई जो टूर्नामेंट का इवेंट है, यानी कि जो टूर्नामेंट इवेंट चलने वाले वो पहले ऐसा बताया जा रहा था सितंबर महीने से लेकर अक्टूबर तक एक टूर्नामेंट चलेगा, एंड आपको मैंने इसके पहले अपडेट भी दिया था कि भाई देखो जो टूर्नामेंट चलने वाले वो सितंबर महीने से ही स्टार्ट होगा। बट अभी तक गरना वालों ने फ्री फायर इंडिया वर्सन को लाया नहीं है और इस वजह से भाई अभी तक टूर्नामेंट के बारे में कुछ क्लियर जानकारी नहीं मिल रहा है। बट जितना सारे डेट हम जा रहे हैं, मतलब जितना हम आगे जा रहे हैं दिन बाई दिन, तो भाई उसके अकॉर्डिंग हमको लीक्स भी मिल रहा है। जैसे कि आज टूर्नामेंट का बैनर निकल कर आ गया, बैनर तो सही है बट डेट थोड़ा सा मतलब अजीब हो गया है, कह सकते हो डेट गलत है, क्योंकि अगर 16 से होना होता तो आज टूर्नामेंट के बारे में लीक्स ऑलरेडी मिल चुका होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन गाइस को जबकि ऐसा कुछ लीक्स मिला है कि भाई सितंबर महीने एंड होने से पहले आप लोगों को टूर्नामेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो भाई इस बात का चांसेस बहुत ज्यादा है कि गाइस अपना फ्री फायर इंडिया वर्सन सितंबर महीने एंड होने से पहले अपने प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल करा दिया जाए। और रिसेंटली ये सारी चीज भी हमको देखने को मिल चुका है, बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो कि फ्री फायर को प्री रजिस्टर कर रखे थे, उनके पास नोटिफिकेशन दिया गया है कि फ्री फायर इंडिया जो है वो इंस्टॉल के लिए अवेलेबल हो चुका है, आप लोग उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा न्यूज भी आप लोगों को मिला है। बट ये न्यूज मतलब नहीं है बल्कि एक बिल्कुल सच्ची बात है कि आप लोग को फ्री फायर जो इंडिया वर्सन है वो प्ले स्टोर के अंदर जो भी प्री रजिस्टर कर रखे थे उनको मतलब इंस्टॉल के लिए देखने को मिल गया है, और बस ये एक नोटिफिकेशन है। रियली में भाई कोई भी फ्री फायर इंडिया वर्सन को इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो अभी प्ले स्टोर के अंदर उसमें अवेलेबल नहीं हुआ है कि आप लोग उसको इंस्टॉल कर पाओ, बस उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया था। हो सकता है ये कोई ग्लिच है, टेक्निकल इशू है, या फिर गरना वालों ने शायद सच में लॉन्च कर दिया था। और देखो यार मैं भी इस चीज को लेकर बहुत बड़ा मतलब संदेह में हूं कि मैं हूं नहीं हूं फ्री फायर की बात कर रहा हूं, फ्री फायर है नहीं है, है तुम देख नहीं पा रहे हो, नहीं है तुम देख नहीं पा रहे हो, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर गाइस को जो भी हो, आने वाले टाइम पे अगर फ्री फायर इंडिया वर्सन को कुछ कंफर्म और लीक्स निकल कर आता है कि भाई इसको एग्जैक्टली इस डेट में दिया जाएगा, देन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज को क्लियर कर दूंगा। बट अभी के टाइम पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक टूर्नामेंट को बारी बातचीत करते हैं, क्योंकि देखो ये सारा चीज जुड़ा हुआ है फ्री फायर इंडिया के साथ में ही, तो जरा अगर मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को सारा चीज समझ आ जाएगा। तो बेसिकली देखो आप लोग जानते हो कि स्टेट वॉर इवेंट कल अपने गेम के अंदर दिया गया था। वैसे गाइस आप सभी को याद होगा ही कुछ दिन पहले भी आप लोग को स्टेट वॉर का इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिला था, एंड स्टेट वॉर का जो इवेंट उस टाइम पे अपने गेम के अंदर गाइस आए थे उसके अंदर भी वही जो सेम कंडीशन था, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम रूल्स एंड कंडीशन दिया गया है। सबसे पहले आप लोग को अपना स्टेट चूज करना है और उसके बाद किल करना है, बुईया करना है, बीआर रैंक में सीएस रैंक में, एंड बुईआर रैंक पर आप लोग को यानी कि बीआर रैंक पर टॉप 3% पे आना है, जिसके बदले आप लोग को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सोलो में अगर टॉप 1% पे आते हो फिर आपको ग्लूवॉल दिया जाएगा 30 दिन के लिए, परमानेंट आपको नहीं मिलने वाले, एंड डीनो का बंडल मिलने वाले वो भी 30 दिन के लिए। तो इवेंट भाई देखो बिल्कुल सिंपल है, बट जो मेन मुद्दा ये है कि ये इवेंट जुड़ा हुआ है अपने टूर्नामेंट के साथ में। जब टूर्नामेंट अपने गेम के अंदर आना होता है या फिर कह सकते हो पहले के टाइम पे जब टूर्नामेंट चलता था उस टाइम पे हमको अक्सर ये इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिला करता था, एंड खास करके ये इवेंट अपने गेम के अंदर दिया जाता है सारे के सारे प्लेयर को एक्टिव करने के लिए और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप लोग जिस भी स्टेट से हो उसमें से गेम प्ले करोगे, एंड अगर आप लोग अपने स्टेट को पहले नंबर पे लाना चाहते हो आप लोग को बेहतर ज्यादा किल करना पड़ेगा दूसरे से और ज्यादा पॉइंट जमा करना पड़ेगा, तो आप लोग जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाओगे एंड आपका स्टेट का नाम सबसे पहले रहेगा इन गेम के अंदर। तो इसलिए इस इवेंट को दिया जाता है ताकि प्लेयर एक्टिव रहे, एंड अभी के टाइम पे गरना वाले को जो प्लेयर है वो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गेम के अंदर प्लेयर एक्टिव नहीं रहेंगे फिर गेम के अंदर जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और फ्री फायर इंडिया लाने का भी कोई फायदा नहीं होने वाले है। और गरना वाले बहुत जल्द फ्री फायर इंडिया को लाएंगे और इसलिए ऐसा इवेंट दिया जा रहा है ताकि भाई सारे के सारे प्लेयर गेम के अंदर एक्टिव रहे एंड वो गेम को खेलते रहे ताकि गेम के अंदर जो बैलेंस है वो बना रहे और फ्री फायर इंडिया का जो क्रेज है वो खत्म ना हो। और एक बात गाइस को फ्री फायर इंडिया आने से पहले गरना वाले अपने गेम के अंदर सेलिब्रेशन ग्रुप में आप लोग को एक इवेंट अवेलेबल कराएंगे जहां पर आप लोग को फ्री के रिवॉर्ड्स के लिए कुछ मिशन दिए जाएंगे, जिन मिशन को कंप्लीट करने के बदले में आप लोग फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम कर पाओगे। एंड अभी के टाइम पे जबकि फ्री फायर इंडिया का कुछ डेट कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए फ्री रिवॉर्ड के ऊपर गाइस मैं कुछ कंफर्म अपडेट दे नहीं पा रहा हूं, बट जैसे ही कुछ दिन बाद उसके ऊपर लीक्स और अपडेट मिल जाएगा देन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो यहीं पर सीमित करते हैं, अगर चाहो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।